ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इस अनादि काल के ही जगत में जीव है, शरीर धरते और छोड़ते आ रहा है और इसी बीच में केवल नर शरीर ही नहीं, चारों खाने के प्राणी कितना दुख भोग रहा है। उन दुखों को देखने वाले, चिंतन करने वाले एक से एक मनीषी हुए हैं, साधारण नहीं। कुछ लोग तो सोच ही नहीं पाते हैं, हमारा जीवन क्यों मिला है, और कैसा जीवन जीना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, जरा भी नहीं सोच पाता है। लेकिन इसी अनादि काल के जगत में एक से एक तत्व चिंतक महापुरुष हुए हैं। कहा जाता है आदि 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 कहते हैं अनादि। अनादि काल के संसार में एक ऐसा महापुरुष हुए हैं जो प्रथम महापुरुष के नाम से जाना जाता है, जिसे महर्षि कपिल कहा जाता है। महर्षि कपिल अपने माता और पिता, पिता है कर्दम, माँ है देवहूति। जब कपिल युवावस्था को प्राप्त होता है, उन्होंने चिंतन में लग जाता है, ध्यान में लग जाता है, संसार में चारों खाने के प्राणियों को देखता है और देख करके उनके आंखों में आंसू आता है। संसार में कितना दुख है और कोई मनुष्य इस दुख से बचने के लिए सोचता ही नहीं है, चिंतन ही नहीं करता है। और कर्म के अनुसार से जन्म मरण के प्रवाह में भटक रहा है। इस संसार में सत्य क्या है, उन्होंने काफी चिंतन किया अपने जीवन में, तो दो ही चीज सत्य है, एक प्रकृति है और दूसरा पुरुष चेतन है। प्रकृति ये संसार है, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये प्रकृति है, और दूसरा सबके अंदर में जो बोलने वाला आत्मा है वो चेतन है, उसे पुरुष कहा जाता है। प्रकृति और पुरुष दो ही सत्य है, अनादि है, और पुरुष जो चेतन है उसी का दुख सुख का अनुभव होता है।
इन दुखों से कैसे बचा जाएगा? राग को त्यागने पर, मोह को त्यागने पर मेरा क्या है, कौन मेरा है? क्या ये माता पिता मेरे हैं कि घर धन मेरे हैं? कौन मेरे हैं कि ये तन मेरा है? उन्होंने काफी चिंतन किया, जंगल में बैठ बैठ करके क्षुधा निवारण के लिए कुछ रोटी का टुकड़ा खा करके, और हमेशा चिंतनशील महापुरुष थे महर्षि कपिल। उसके त्याग वैराग को देख करके उनके पिता कर्दम है, पुत्र से पूछता है कि बेटा तू किसका आराधना कर रहा है, किसकी उपासना करता है? पुत्र कपिल ने कहा पिता से, पिताजी ये संसार दुखालय है, दुख का कोट है, दुख का किला है, और जीव है अनादिकाल से धरी शरीर धरते छोड़ते आ रहा है, कब तक शरीर धरेगा? मेरा आत्मा ही सत्य है, और जब तक से मोह का त्याग नहीं होगा तब तक इस संसार चक्र में भटकता रहेगा। इन दुखों से बचने के लिए राग को त्यागना होगा। पुत्र कपिल है, खूब गहरी चिंतन करके पिता को बताता है। पिता का मन भी राग से हटता है और धीरे धीरे उस पुत्र कपिल को गुरु मान लेता है, अपने ही पुत्र को। रोज महर्षि कर्दम है महर्षि कपिल के पास बैठता है, अधिक से अधिक समय निकाल करके, और बारंबार कर्दम है पुत्र कपिल से कहने लगा गुरुदेव, अपने ही पुत्र को गुरुदेव कहता है, गुरुदेव मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान की बातें बताइए। महर्षि कपिल पिता कर्दम को ममता के निवारण के लिए, मोह के निवारण के लिए वैराग का, प्रकृति या पुरुष का भेद को अच्छी तरह से बताने लगा। महर्षि कर्दम भी कपिल अपने पुत्र की तरह, पुत्र को गुरु मान करके, गुरुदेव मान करके, वह मोह माया से चित्त को हटाने लगा, वह भी ध्यान साधना में लगने लगा। इनको देख करके उसके माँ देहूती ने कहा, बेटा तू किसका उपासना करता है, मुझे भी बता दी। तुम्हारा पिता वैराग्य में ओतप्रोत है, कुछ भी नहीं चाहिए, तुम भी हो, वह ज्ञान मुझे भी दो जिस ज्ञान में तुम दोनों पिता और पुत्र लगे हो। कपिल अपने माँ को रोज रोज उसका वैराग की पाठ पढ़ाने लगा, आत्मज्ञान देने लगा। आज कहा जाता है 5000 साल से भी अधिक हो चुका है, आदि पुरुष माना जाता है महर्षि कपिल को। उन्होंने प्रकृति और पुरुष का ही चिंतन किया, जड़ और चेतन का, और उसी के द्वारा आज धीरे धीरे महापुरुषों ने उस महर्षि कपिल के चिंतन को विचारते विचारते तमाम वेद शास्त्र, कुरान पुराण आदि का रचना किए, सत्संग किए, और सत्संग आज आपके गांव सकरी में सत्संग चल रहा है। सत्संग की क्या आवश्यकता है जीवन में, तो सत्संग की आवश्यकता यही है। संत महात्मा आते हैं, कहते हैं कि ए जीरा तय अपने दुख ही समार। एक बार मौका मिला है, आज ये नर शरीर मिला है,
नर शरीर आज मिला है और नर शरीर मिलता है पुण्य पुण्य बिन मिलहिन संता। जैसे पुण्य उदय होता है तो संतों का दर्शन होता है, ऐसे ही अनादि काल के संचित कर्म उदय होते होते नर शरीर मिलता है। सहज नहीं है नर शरीर भी मिलना। तो ऐसा मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर में अनुकूल प्राणी और पदार्थ जो मिला है ये भी छूटने वाला है, रहेगा नहीं, ये हमारा नहीं है। प्रिय से प्रिय पत्नी पति पुत्र धन कितना हम सजाने में लगे हैं इस जीवन के लिए, लेकिन सदा के लिए छूटने हैं। और कितना राग कितना ममता और 24 घंटा का समय हम केवल धन और जन के और शरीर के पीछे खो रहे हैं और पुरुष चेतन का भान ही नहीं है। जैसे माँ है, माँ के लक्ष्य हमेशा अपने पुत्र पर होता है, माँ हर काम करती है, लेकिन नन्हा सा शिशु को उनका चित्त में हमेशा बसा रहता है, बेटा क्या करता होगा, गौशाला का काम करेगी, खेती का काम करेगी, बाड़ी का काम करेगी, किचन का काम करेगी, लेकिन माँ का लक्ष्य हमेशा नन्हा सा शिशु पर होता है। उसी प्रकार से हमारा लक्ष्य कहाँ होना चाहिए, हम हर काम करें, खेती का, नौकरी का, व्यापार का, धनोपार्जन, धन की आवश्यकता है, धन कमाएं, लेकिन धन से केवल क्या होगा, दो रोटी का व्यवस्था, खेती नौकरी व्यापार क्यों होता है, रोटी कपड़ा मकान के व्यवस्था के लिए। और रोटी कपड़ा मकान के व्यवस्था करते करते हमारा जीवन ही समाप्त हो गया, व्यवस्था करते करते और शांति का अनुभव नहीं हुआ तो जिंदगी की शिष्य बेकार चला गया। हम पुरुष चेतन को जाना नहीं, आत्मा को जाना नहीं, आत्मा के लिए कभी भी सत्संग भजन ध्यान चिंतन सेवा श्रद्धा साधना किया नहीं। तो जीव है हमारी अनादिकाल से शरीर धरते और छोड़ते, जीव अमर है, जीव चेतन आत्मा जो है ना वो अमर है, अमर आत्मा वो मरता नहीं है, कर्म के अनुसार शरीर धरता और छोड़ता है और कर्म फल अकाट्य कर्म फल भोग रहा है कर्म को। इसलिए कर्म जैसे करोगे वैसे फल भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। आज जैसा हमारा कर्म है उसी के अनुसार फल मिलेगा। इसलिए कर्म को हम सुधारते सुधारते जीवन को अच्छे दिशा में ले जाकर के अपने आत्मा का भी चिंतन थोड़ा करें, समय निकालें आत्मा को। जैसे बच्चा के लिए मैंने बताया माँ का हमेशा लक्ष्य बच्चा पर होता है, उसी प्रकार से हमारा लक्ष्य आत्मा पर होना चाहिए, अपनी आत्मा पर। हम अपने आत्मा को भवबंधन से कैसे बचाएं, कैसे बचाएं? जैसे ये गाड़ी चालक होता है, गाड़ी चलाता है, दो पहिया चार पहिया गाड़ी को चलाता है और शहर में चले गया चलाते चलाते, भारी भीड़ में चले गया, लेकिन भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है, दाएं बाएं पीछे और सामने चारों तरफ से अपने को बचाते हुए आगे बढ़ता है, अपने को बचाते हुए, सारी भीड़ से खूब भीड़ है, दाएं बाएं चारों तरफ से आगे पीछे से और अब सब तरफ से अपने को बचाते हुए आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से हमें संसार में जीना है, सबके साथ में रह करके सबके साथ अच्छे व्यवहार करते हुए अपने आत्मा का ध्यान करते हुए भवबंधन से अपने आत्मा को मैं कैसे बचाऊं, उसी को जानने के लिए उसी में चित्त को जोड़ने के लिए ये सत्संग की आवश्यकता है।
सत्संग की आवश्यकता, हम अपने को जाने, अपने को जाने मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, क्या ये शरीर सत्य है, क्या पत्नी पति सत्य है, पुत्र सत्य है कि धन सत्य है, कब तक रहेगा और कब मेरे साथ जाएगी, कौन जाएगा, हर चीज को बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, खूब अध्ययन करना चाहिए। वही अध्ययन करते करते ये जो महापुरुष है ना, सब कुछ को त्याग देते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा जो हुए हैं वो संत के रूप में हुए, महात्मा बुद्ध यही चिंतन किया, महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ नाम था उसका, यही राजपुत्र था, सुद्धोधन का पुत्र था, एक ही पुत्र था, उन्होंने यही चिंतन करते 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 राजपाट को, माता पिता को, और इतना ही नौ युवती पत्नी सुंदरी नारी राजकन्या राज रानी, इतना ही नहीं ये ज्ञान प्राप्त करते करते स्वानुभूति खुद अनुभव करते करते उस बीच में माया मोह के बीच में रह करके एक नन्हा सा शिशु को भी पैदा किया जिसका नाम राहुल था, लेकिन वो भी उसको बांध नहीं सका, पुत्र भी बांध नहीं सका, पत्नी भी बांध नहीं सकी, माता पिता भी बांध नहीं सका, राजपाट मित्र जन भी नहीं बांध सके। और यही सत्य क्या है, सत्य की खोज करते करते सब कुछ को त्याग दिया, सब कुछ को त्याग दिए, तब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। सहज नहीं बुद्धत्व प्राप्त करना, सबकी आसक्ति सबकी ममता सबके राग को त्याग करके ही वो दशा मिलती है, और वह दशा आज हम सबको मिला है सत्संग के माध्यम से। आज संत गुरुजन जो आए हैं तो क्यों आए हैं, केवल जगाने के लिए आए हैं, जगाने के लिए, मोह निशा सब सोवन हारा देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, गोस्वामी जी कहते हैं, और वही बात सतगुरु कबीर ने कहा है, मोह की निशा में रात्रि में संसार के सारे प्राणी सोया है, कब तक सोया रहेगा, ये नर्सरी सोने के लिए नहीं मिला है, जागने के लिए मिला है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सब बैठ जाएं अपनी जगह में, बंदगी अंतिम में, सत्संग समाप्ति के बाद। तो मोह निशा सब सोवन हारा देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, संसार के प्राणी संत गुरुजन हैं सोते हैं, क्यों सोते हैं, केवल शरीर के थकावट मिटाने के लिए, लेकिन सोते समय भी तत्व चिंतन करते करते सोते हैं, जागते हैं फिर तत्व चिंतन में लग जाते हैं, और हम क्या करते हैं, केवल रोटी कपड़ा मकान घर धन के ही चिंतन करते करते सोते हैं, और उस चिंतन करते करते फिर जागे, फिर उसी में लग गए, कभी भी अपना चिंतन नहीं कर पाया। इसलिए संत गुरुजन आते हैं और सत्संग की आवश्यकता, सत्संग का जो माहौल देते हैं केवल जगाने के लिए, हम अपने आत्मा को जाने, अपने लिए क्या करना है, अपने परिवार के लिए क्या करना है, और अपने को कैसा जीवन जीना है, ये जीवन कब तक रहेगा, और जीव शरीर छोड़ के कहाँ जाएगा, क्या दुख सुख मिलेगा, ये सारा चीज भेद बताने वाले गुरुजन होते हैं। और उसी के लिए आपके गांव सकरी में ये आश्रम का निर्माण हुआ है, संत गुरुजन आए हैं वर्तमान में, और मासिक सत्संग तो हर महीना होता रहता है, और बीच बीच में और संत गुरुजन आते रहते हैं। तो क्यों आते हैं, सत्संग का माहौल क्यों देते हैं, केवल जगाने के लिए, हम लोग जागें
और जाग करके अपने भवबंधन को चिंतन करें और परिवार समाज में रह करके कैसा जीवन जीना चाहिए अपने लिए परिवार के लिए, इस सारा चिंतन का भेद संत गुरुजन बताते। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।